नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के आइसोलेशन प्लांट्स में आपका स्वागत है। आज आप जो पेड़ देख रहे हैं वो है नाग चंपा का। ये देख रहे हैं इसकी फ्लोरिंग कितनी अच्छी हो रखी है। और आप भी अपने घर में आउटडोर में नाग चंपा का पेड़ लगा सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने इसकी कटिंग ग्रो करी थी, जो कि 20 दिन बाद में न्यू लीव्स आई। और 2 महीने बाद का आप अपडेट देख रहे हैं, ये कितना अच्छा अपडेट है। तो आप भी ऐसे कटिंग से नाग चंपा इजीली उगा सकते हैं। और जहाँ तक इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स की बात है, तो ज़्यादा इसकी सॉइल सैंडी सॉइल होनी चाहिए और ज़्यादा होल्ड पानी रखने वाली कैप सॉइल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, इसमें समय समय पर फंगीसाइड और नीम ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर से आप स्प्रे करें, नहीं तो इसमें इंसेक्ट का अटैक होने की संभावना रहती है। और खाद के रूप में आप इसमें कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, महीने में 1 या 2 बार। तो आपने देखा कितनी इजीली ये पेड़ उग जाता है और कितनी आसानी से इसके कितने सुंदर फूल खिलते हैं। तो आप भी अपने घरों में नाग चंपा का पेड़ ज़रूर लगा सकते हैं आउटडोर में, और ज़रूर लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट प्लांट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।